हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज आपके लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक लेकर आए हैं, जो है बाचड़ शिक्षण की विधियाँ। तो शुरू करते हैं। देखो और सुनो, विधि में क्या होता है? इसमें शब्द को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है और उस शब्द की पहचान न कराकर उसके कंसेप्ट की पहचान कराई जाती है। विधि इसमें क्या होता है कि इसमें जो वर्णमाला के अनुसार अक्षरों का उच्चारण क्रमानुसार स्थान अनुसार सज्जित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, कमल शब्द है तो का मा ला को लिख दिया जाएगा। जब बच्चा वर्ड पहचान लेगा तो उसे शब्द दे दिया जाता है। ये तीसरा मेथड है, ध्वनि साम विधि। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों को एक समान उच्चारित होने वाले शब्द सिखाए जाते हैं, जैसे श्रम क्रम भ्रम आदि। इन्हें जानबूझकर बच्चों को ऐसे शब्द सिखाए जाते हैं जो कि व्यवहार में उपयोग में नहीं आते हैं, जैसे चर्म कर्म गर्म वर्म आदि। ये चौथी विधि है, इसका नाम है अनुध्वनि विधि। ये पहली विधि के समान ही है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें एक समान उच्चारित होने वाले शब्द एक साथ ही सिखाए जाते हैं। इसमें शिक्षक एक शब्द कहता है, छात्र उसकी ध्वनि को सीखता है, ध्वनि का अनुकरण करता है। इसका प्रयोग ज्यादातर दूसरी भाषाओं के लिए होता है, जैसे पुट कट बट। इसमें यू अक्षर का ध्वनि ना होकर ऊ का आ वा की ध्वनि का उच्चारण होता है। ये पांचवी विधि है, भाषण शिक्षण की यंत्र विधि। ये एक नई विधि है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रामोफोन में एक तवे में एक पाठ भरा रहता है, जिसे सुनकर बालक उसे सीखता है और उसे पढ़ने का अभ्यास करता है। ये छठवीं विधि है, संवेद पाठ विधि। इसमें क्या होता है कि इसमें शिक्षक छोटे पद एवं गीता सिखाने में सुविधा होती है। इसमें शिक्षक किसी अंश को भावपूर्ण रीति से पढ़ता है तथा कक्षा में विद्यार्थी भी उसी का रिवीजन करते हैं। ऐसा करने से उनका स्वर सधता है। यह है अंतिम और लास्ट विधि है, संगति विधि। इसका प्रयोग मॉन्टेसरी ने किया। इसमें बहुत सी वस्तुओं, खिलौनों, चित्रों आदि के आगे उनके नाम कार्डों पर लिखकर रखे जाते हैं। वे कार्ड फेंक दिए जाते हैं और बालकों से कहा जाता है कि जिस वस्तु का जो नाम है, वह नाम वाला कार्ड उसी वस्तु के आगे रख दिया जाए। इस विधि में ज्यादा बखीरा होने की वजह से इस विधि को मान्यता नहीं मिली। वाचन शिक्षण की सात ही विधियां हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।